वही खरगोन नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आते ही एक बार फिर भाजपा ने अधिक बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। बुधवार पीजी कॉलेज में हुई मतगणना के दौरान परिणामों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और भाजपा के 19 निर्दलीय 7 और कांग्रेस को महज 4 सीटों में से संतोष करना पड़ा, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही एमआईएम ने बेहतर प्रदर्शन करके 3 सीटें जीती और इस दौरान चुनाव परिणाम आने के बाद अब पंजाब के परिषद बनना तय माना गया है भाजपा के, और जिसे लेकर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा पदाधिकारियों का चिंतन शुरू हो गया है। फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए वार्ड 5, 8 और 30 से जीती महिला उम्मीदवारों को दावेदार माना जा रहा है। खरगोन के सभी मतदाताओं का आभार करता हूं, जिन्होंने हमारे पर इतना पूर्ण विश्वास किया है और आज हमें मोहम्मद के साथ नगर पालिका में हमारे पार्षदों को विजय श्री मिलेंगे। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन उच्च स्तर पर काम कर रहा है, वो संगठन की जो ताकत थी उसके परिणाम है कि आज हम 19 पार्षदों के साथ खरगोन नगर पालिका में विजय प्राप्त की है। और मैं खरगोन की मतदाताओं का और क्षेत्र के जिले के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें पूर्ण विश्वास के साथ अपना मत देकर हमें नगर पालिका में निर्वाचित।